ले आओ प्रात प्रूत रख दो, ये थी रख दर थी। ये नहीं लगाना टक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो ये देखिए, यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और यहाँ भी मधुमक्खी थी, लेकिन यहाँ से वैक्स मौत की वजह से जो है मधुमक्खियाँ भाग गई है। ये छोटा सा संदूक है एक 4 फुट का, तो इसमें दोनों तरफ जो है मधुमक्खी ने अपने छत्ते लगाए हुए थे और एक छत्ता जो है इस तरफ है। तो आज इसको हम उठा रहे हैं और डाल रहे हैं साइंटिफिक बीहाइव में। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होता है हमें, जब भी मधुमक्खी का झुंड उठाना हो, सेटल कॉलोनी उठानी हो, तो हमने धुआं मारना होता है इस तरह से धीरे धीरे करके, ताकि मधुमक्खियाँ जो है वो हमें काटे नहीं। तो इस तरह से हम धुआं लगाएंगे। धुआं लगाने के बाद हम इसको, इसके जो छत्ते आप देख रहे हैं, ये अगर कॉम्ब्स जो बने हुए हैं वो अगर बड़े हैं तो वो गिर सकते हैं नीचे, तो ये छोटे हैं, उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन इसको हम उठा रहे हैं धीरे धीरे यहाँ से। ये देखें इस प्रकार से, और इसको हम पीछे ले जाएंगे इस तरह से धीरे धीरे करके। बस, तो इस तरह से हमने जो है इसको उठा करके ओपन कर दिया है। तो ये देखिए, इस तरफ जो मधुमक्खियां बैठी हुई थी वो भाग गई है। कारण है वैक्स मौत, क्योंकि गांव में जो होता है ना, इसके अंदर अनाज वगैरह भी डालते हैं। तो ये देखिए अंदर की स्थिति, वैक्स मौत। और हनी बीज भी देख सकते हैं आप, बहुत सी मधुमक्खियाँ जो है मरी हुई है और वैक्स मौत के जो अंडे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। जहाँ से वैक्स मौत तैयार होता है वो पूरे सिम्टम में नजर आ रहे हैं इसके अंदर। तो वैक्स मौत जो है चारों तरफ आपको दिखाई देगा, ये देखिए हर तरफ, और बहुत सी मधुमक्खियाँ जो है वो डैमेज हो गई है नीचे इसके। इसको भी हम यहाँ से हटा रहे हैं ताकि दोबारा मधुमक्खी आएगी और बैठ जाएगी यहाँ पे। फिर हमें मौका मिलेगा यहाँ से उठाने के लिए। तो ये देखिए नीचे बहुत सी मधुमक्खी जो है मरी हुई है और वो आ रहा बड़ा 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 गण हुई रस मारते थे बड़ा सा करी दे सारी सफाई होती। तो अब हम धीरे धीरे इसमें धुआं लगाएंगे और ये छत्ते काटेंगे। बस धुआं हमने हल्का हल्का लगाना है, एकदम से पूरा धुआं नहीं लगाना है ताकि मधुमक्खियाँ उड़ जाए। तो इस तरह उसको हमने काट लेना है। इस तरह से, इसमें कुछ नहीं है, खाली है। हाँ जी, हाँ स...
सारे छत्ते सूखे हैं। नहीं रोआ ना। कोई नहीं, मैं अपना नंबर दे जाऊंगा जी। ये जो बैक स्मोथ की वजह से है, इसको काट के मधुमक्खियों ने जो है नीचे गिरा दिया है। तो दोस्तों फाइनली हमने जो है इसके छत्ते काट के यहाँ पर फिक्स कर लिए। इसके अंदर ब्रूड नहीं है आजकल मधुमक्खी को शिफ्ट करने का बहुत ही अच्छा, उनको अगर आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल ब्रूडिंग कम है इसके अंदर, कॉलोनी के अंदर, और बहुत कम ब्रूडिंग होती है, और इसको उठाना बहुत ही ईजी रहेगा। तो फाइनली हमने जो है मधुमक्खी को शिफ्ट कर लिया, उठा लिया और डाल दिया अपने बीहाइव में, और इसके बाद हम इसको उठाएंगे और इसके अंदर डालेंगे। तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, और ग्लव्स जो डालकर या कोई गिलास वगैरह या कच्ची से आप उठा सकते हैं, कोई जग वगैरह भी ले सकते हैं, और बस मधुमक्खी को आपने धीरे से यहाँ छोड़ना है। प्रेस नहीं होनी चाहिए आपके हाथ से, अगर मधुमक्खी प्रेस होती है आपके हाथ से तो काटेगी। ऐसे झटके से भी डाल सकते हैं अंदर बोरी तक। ये बच्चे लोग जो है नए स्टूडेंट बन रहे हैं मधुमक्खी पालने के, तो शौक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको काटते नहीं है, तो काटते हैं ये। तो बस इसको धीरे से हमने उठाना है नंगे हाथों से, और प्रेस नहीं होनी चाहिए मक्खी। और इसकी क्यों मेरे को नजर आई दोस्तों, ये देखिए ये क्यों है इसकी, ये रानी मधुमक्खी। तो रानी मधुमक्खी भी इसके अंदर ही होगी, अभी मेरे को नजर आई थी लेकिन वो उड़ गई।
तो आएगी वो जाएगी नहीं, वो भागेगी नहीं, क्योंकि जब तक पूरा स्वार्म यहाँ पर बैठा होगा तब तक रानी मधुमक्खी भी यहीं रहेगी। बस इसको हमने थोड़ा ढांप लेना है और उसके बाद फिर मक्खी खुद ही अपने आप अंदर जाना शुरू हो जाएगी। फाइनल क्या होता है, जब मधुमक्खी बैठ जाती है, कुछ एक मधुमक्खी जब हम हाथ से उठाकर बॉक्स के अंदर डालते हैं तो उसके बाद खुद ही मधुमक्खी जो है अपने आप बॉक्स के अंदर आना शुरू हो जाती है। जब हमारे बॉक्स के अंदर जैसे हम फ्रेमें वगैरह फिक्स कर लेते हैं काट के, तो मधुमक्खी जो है थोड़ी सी मधुमक्खी बॉक्स के अंदर जब हम डाल लेते हैं तो उसके बाद फिर मधुमक्खी खुद ही बॉक्स के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों उसके बाद क्या करते हैं, हम जैसे हम स्मोक करेंगे, धुआं वगैरह लगाएंगे तो मक्खी उड़ेगी, उड़ने के बाद फिर अपने बीआई में आना शुरू हो जाएगी। तो कई बार रानी मधुमक्खी जो है नज़र आ जाती है, और कई बार मधुमक्खी की अधिक संख्या होने के कारण जो है, भीड़ के कारण जो है, क्यून जो है नज़र नहीं आती है। तो हमें क्यून नहीं देखनी होती है, जब सारा हनी बीज आपका बॉक्स के अंदर आ जाता है तो क्यून भी खुद अपने आप बॉक्स के अंदर आ जाती है। तो ये देखिए मधुमक्खी जो है खुद अपने आप हनी बीज जो है बॉक्स के अंदर आ रहा है, बॉक्स के अंदर आ रहा है। ऊपर तो आया करें ना, फिलहाल ऊपर तो आया करें ना सारे, रास्ता बना लिया ना इन्होंने, तो साइड हट जा ड्रग्स, बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से जो है मधुमक्खी हमारी बॉक्स के अंदर आ रही है दोस्तों, और इसके बाद हमने इसमें जो है पैकिंग दे दिया है इधर से, ताकि हम जब भी बॉक्स को अपनी गाड़ी में या उठा कर ले जाते हैं तो ये जो खाली थोड़ा स्पेस बच जाता है ये हिले डुले ना, ताकि ये जो भी स्पेस होता है मधुमक्खी के फ्रेम के अंदर, इसके अंदर मधुमक्खी आने से क्या होता है, मर जाती है प्रेस होकर। तो इसके लिए हम जो है पैकिंग दे रहे हैं, या किल भी मार सकते हो आप इधर उधर, है ना, किल भी मार सकते हैं। तो अब हमने अपना जो साइंटिफिक बॉक्स है उसको बंद कर लिया है, और बंद करने के बाद जो मक्खी बाहर उड़ी हुई थी वो भी खुद अपने आप आ रही है और हमारे बीहाइव के अंदर जो है तेज़ी से जा रही है, और जो स्मोकर है हमारा धुआं है उसको हमने अंदर डाल दिया बॉक्स के अंदर, संदूक के अंदर। तो इस तरह से मधुमक्खी को बड़े आराम से उठा सकते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि जब भी नए भाई मधुमक्खी को शिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, शहद होने के कारण बहुत से छींटे जो है इधर उधर पड़ जाते हैं और मक्खी जो है डिस्टर्ब होकर वहाँ शहद को खाने लग जाती है, और टाइम लगाती है मतलब इकट्ठा होने में, क्लोज होने में। तो उस वक्त भी हमें क्या करना होता है कि पानी की कुछ बूंदें, छींटे वगैरह या कपड़ा गीला करके साफ़ कर लेंगे जल्दी, और जितने भी जो छत्ते काटे हुए हैं उसको भी हमने इकट्ठा करके किसी बैग में डाल करके उनको भी ओपन नहीं छोड़ना है। अगर हम ओपन छोड़ते हैं तो मधुमक्खी भी वहाँ पर बैठना शुरू हो जाती है और क्लोज नहीं होती है, इकट्ठा नहीं होती है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूखे छत्ते थे सारे, उसको हमने फेंक दिया नीचे, सूखे हैं बिल्कुल, एक भी बूंद नहीं है शहद की, लेकिन मधुमक्खियाँ फिर भी चल रही हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।